देश भर के अंदर 15 अगस्त मना रहे हैं सारे ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले। सबसे बड़ी मेरे को खुशी इस चीज की है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी तिरंगे झंडे लगा लगा के रैलियां निकाली जा रही। तो दोस्तों, अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हैं या किसी भी प्रकार का कोई वाहन चलाते हैं, आप ड्राइवर हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है। यहाँ पे देखिए, ऑटो रिक्शा संघ के ऑफिस में झंडों की तैयारी चल रही है। आइए सुनते हैं राजेंद्र सोनी जी को। देखो, लोगों के अंदर संदेश आएगा, देशभक्ति का संदेश जाएगा, और क्या नाम है, लोगों को एक प्रेरणा जागेगी। ये क्या नाम है, झंडे लगाने की कभी आजादी नहीं थी किसी को। ये माननीय पूर्व हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ये उन्होंने ये लगाने की आदेश जारी करे थे, घर घर झंडा, ऑटो पर झंडा। ये हम तैयारी कर रहे हैं और झंडा शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, एक रैली के रूप में यहाँ से काम करेंगे हम। तो दोस्तों, ऐतिहासिक रैली दिखाने से पहले मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये जो झंडे हैं, हजारों की संख्या में सोनी जी ने अपने ऑफिस पे ये झंडे तैयार करवाए और अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली के कोने कोने में रहते हैं सभी को फ्री में बांटे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली के कोने कोने से जो छोटी छोटी रैलियां निकाली गई हैं वो कहां कहां से और किस किस के माध्यम से निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ISBT कश्मीरी गेट से राजवीर शर्मा जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक छोटी सी रैली निकाली अपने सभी ऑटो पे झंडा लगाकर। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी तस्वीर जो है दोस्तों, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे ऋषि पाल जी ने और आरिफ जी ने मिलकर अपनी एक छोटी सी रैली निकाली। तीसरी तस्वीर शंकर मार्केट से मैं ना चाहूँगा, जहाँ पे रामेश्वर जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर छोटी सी रैली निकाली। और जो चौथी तस्वीर है दोस्तों, ये है द्वारिका की, जहाँ पे विमल गुप्ता जी ने, रमाशंकर शुक्ला जी ने मिलकर ये छोटी सी रैली निकाली। और इसके बाद मैं आपको नांगलोई की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे हमारे धनेश्वर गुप्ता जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक छोटी सी रैली निकाली। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कनाट प्लेस की तस्वीरें हैं, जहाँ पे साथियों ने मिलकर कनाट प्लेस में झंडे लगाए और एक छोटी सी रैली निकाली। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जहाँ पे हमारे राणा जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑटो और काली पीली टैक्सी में झंडे लगाकर एक छोटी सी रैली निकाली। दोस्तों, तिरंगा झंडा लगा कर रैली निकालने की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं यहाँ पे सभी के नाम लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप यूँ समझ लीजिए, जैसे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजेंद्र जो कार्यकर्ता थे, सभी ने अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में झंडे लगाकर तिरंगा रैली निकाली है। और ऐतिहासिक रैली अभी एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसको देखना ना भूलें। मैंने अभी यहाँ पर सभी अपने साथियों की फ़ोटो लगा दी हैं जो मेरे पास फ़ोटो मौजूद थी। अगर किसी साथी भाई की फ़ोटो छूट गई हो तो कृपया नाराज ना हो, क्योंकि इतनी सारी तस्वीरें दिखाना, याद रखना संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए, अब मिलते हैं हम रमाशंकर शुक्ला जी से, जो कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ऐतिहासिक रैली दिखाता हूं जो भीकाजी कामा प्लेस में वहां के प्रधान सुनील पठानिया जी द्वारा निकाली गई थी, जिसमें सभी को वहां पे आमंत्रित किया गया था। सभी ऑटो ड्राइवर थे वहां पे मौजूद और मैं भी मौजूद था। ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी भी वहां पे मौजूद थे। चलिए सुनते हैं रमाशंकर शुक्ला जी को कुछ संदेश देना चाहते हैं। संघ का जो है उपाध्यक्ष, और आज दिल्ली का दिल है भीकाजी, और सभी ऑटो पे तिरंगा, घर घर तिरंगा, भारत माता की जय। तो दोस्तों, सभी साथियों द्वारा यहाँ पे ध्वजारोहण किया गया तथा उसके बाद हमारा जो राष्ट्रगान है उसको गाया गया, मिठाइयाँ बांटी गईं, आप देखते जाइए। तो दोस्तों, ध्वजारोहण और राष्ट्रगान गाने के बाद सभी साथियों ने मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ के जो भीकाजी कामा प्लेस है, वहाँ के प्रधान सुनील कुमार पठानिया जी हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को मिठाई खिलाते हुए। तो इसी प्रकार से इस ऐतिहासिक रैली को शुरू करने से पहले सभी हमारे जितने भी वहाँ पे ऑटो ड्राइवर आए हुए थे, सभी ने राष्ट्रगान गाया, ध्वज का रोहन किया, मिठाइयाँ बाँटी, अपनी एकता का परिचय दिया, तभी उसके बाद एक ऐतिहासिक रैली
निकाली गई, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सभी ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि हमारी एकता अभी भी बरकरार है, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, सभी से कहना चाहता हूँ, अपनी ड्राइवर एकता को यूं ही बनाए रखो। आप चाहे किसी भी यूनियन से जुड़ो, लेकिन ज़रूर जुड़ो, क्योंकि अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे सम्मान समारोह हो रहा है सुनील कुमार पठानिया जी द्वारा और साथियों के द्वारा। हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को पुष्प मालाएं पहनाई जा रही हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। भीकाजी कमा प्लेस पे बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पे कार्य किया गया है, सभी भाइयों का सम्मान किया गया। और जो रैली निकाली वो अभी आप देखेंगे, बहुत ऐतिहासिक अच्छी रैली निकाली गई है। वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे कितने ड्राइवर भाई उत्साहित थे इस रैली को निकालने के लिए। और यहाँ पे जयकारों की तो भरमार लगी थी, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो रिक्शा संघ का बैनर लगा हुआ है और हमारे प्रधान जी ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी बैठे हुए थे। और यहाँ से शुरू होती है हमारी ऑटो रिक्शा की ऐतिहासिक रैली भीकाजी कामा प्लेस के ऑटो स्टैंड से। तो यहाँ से एक एक करके देखिए, सभी ऑटो रिक्शा निकल रहे हैं जिन पे झंडे लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर ये दृश्य है। ये देखिए, अभी काफ़ी ऑटो हैं, अभी आप देखेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से निकलने में दिक्कत हो रही है उनको, वहाँ सर्विस लेन में खड़े हुए थे, सभी अभी निकलेंगे। और आप देखेंगे बहुत ही ऐतिहासिक रैली। ये देखिए, बिमल गुप्ता जी हाथ हिलाते हुए, सभी खुश हैं। ये देखिए, सभी हमारे ड्राइवर भाई अब यहाँ से निकलते हुए, ये देखिए ऑटो पे खड़े होके अभिवादन करते हुए और काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि दोस्तों खुशी का माहौल था। 15 अगस्त जो हमारा एक बहुत ही मतलब समझो स्वतंत्रता दिवस जो है, हमारे लिए खुशियों का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो इसको हम उसी धूमधाम से मनाते हैं जैसे कि आज़ादी मिलती है उसकी खुशी होती है, सेम वही। अब देखिए, यहाँ से हमारे ऑटो सभी एक लाइन में खड़े हो गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी एक ऐतिहासिक रैली, जिसे मैं फिल्माऊंगा ऑटो पे। ये शुक्ला जी हैं, हमारे रमाशंकर शुक्ला जी द्वारिका से हैं और भी साथीगण हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक रैली शूट करने में, बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और ख़तरा भी रहता है, क्योंकि ऐसी रैली शूट करना, इसका वीडियो बनाना चलते फिरते नहीं बनता है। कई बार हमें ऑटो से खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ती है, कभी आगे कभी पीछे होना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। और ये दिखाने के लिए सिर्फ कि हम ऑटो ड्राइवर एक हैं, हमारी एकता एक है, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये जो हमारी रैली थी भीकाजी कामा प्लेस से जाकर मोतीबाग, जो मोतीबाग फ्लाईओवर है वहाँ तक गई, वहाँ से हमने यू टर्न लिया और उसके बाद हम जाएंगे, अभी आप देखेंगे हम जाएंगे साउथ एक्स तक। तो अभी तो हमारी ये मोतीबाग की तरफ ये जा रही है रैली, और धीरे धीरे करके सारे ड्राइवर भाई देखिए हाथ बाहर निकाल के अभिवादन करते हुए काफ़ी खुश हैं ड्राइवर भाई। तो ये जो रैली है दोस्तों, काफ़ी सुंदर और ऐतिहासिक रैली निकाली गई ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी के और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब हमने जो है वहाँ से मोतीबाग से यू टर्न ले लिया है, अब हम जा रहे हैं साउथ एक्स की तरफ। तो साउथ एक्स का जो फ्लाईओवर है वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लेके फिर हम भीकाजी कामा प्लेस पे जो है अपनी रैली को समाप्त करेंगे और सभी भाइयों का अभिवादन करके वहाँ से निकलेंगे। तो अभी आप देखते जाइए, बहुत देखिए आप कितनी भारी संख्या में हमारे ऑटो ड्राइवर भाई, और देखिए एक लाइन में डिसिप्लिन का परिचय देते हुए बड़े आराम से गाड़ी चलाते हुए यहाँ से निकले। आप जो राइट हैंड पे देख सकते हैं वो भीकाजी कामा प्लेस की बिल्डिंग आ चुकी है, और धीरे धीरे हमारी जो रैली है साउथ एक्स की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए लाइन लगी हुई है हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों की। काफ़ी सारे ऑटो ड्राइवर थे, लेकिन ट्रैफिक में कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे निकल जाते हैं, तो इस वजह से थोड़े आपको देखने में कम लग रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऑटो ड्राइवर भाई यहाँ पे आए हुए थे। तो
ये देखिए, अब हमारी जो रैली है पहुंच चुकी है भीकाजी कामा प्लेस पे, और सभी यहाँ पे ड्राइवर भाई अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो ऐतिहासिक रैली है भीकाजी कामा प्लेस सुनील कुमार पठानिया जी के ऑटो स्टैंड पर आकर समाप्त हुई। तो बस दोस्तों, यही थी ऐतिहासिक रैली जो मैंने अभी इस रैली को देखकर आपको भी एक एहसास हुआ होगा कि हमारे जो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर भाई हैं वो एक हैं, एकता में हैं। तो आप भी एकता बनाए रखिए और ऐसे ही मिलजुल कर रहिए। तो बस इस वीडियो को करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।